हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं जी? सब ठीक है? बढ़िया है। हारिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अहमद भाई आप? जबरदस्त। बाकी आप लोग भी ठीक हैं? ओके, तो चलें जी। आप आज आपको जो है ना वो टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाते हैं कुछ इंडिया में, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ओटी। ऊटी या ओटी? ओटी ऊटी कहते हैं या ओटी कहते हैं? चलो मैं तो ऊटी कहते हैं। ओ हाँ, ये ऊटी। ओके, तमिलनाडु में है जी ये, और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लेसेस हैं वो कैसी हैं विजिट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हियर वी गो। बहुत ज्यादा फिल्में कास्ट होती हैं ऊटी में। ओके। भारत दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, चाहे हम बात करें दक्षिण भारत की, जहाँ पे आपको वेस्टर्न घास जैसे खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं, या फिर केरला के बैकवाटर्स, या फिर बात करें उत्तरी भारत की, जहाँ पे आपको माइटी हिमालयस देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दक्षिण भारत के एक ऐसी ही जगह के सफर पे लेके चलेंगे, जिसने ना सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों और गानों में अपनी शोहरत पाई है, बल्कि यहाँ पे आपको देश विदेश से भी बहुत से पर्यटक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऊटी शहर के सफर पे लेके चलेंगे, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। और वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको ऊटी की 10 वो खूबसूरत जगहें भी बताएंगे, जिन्हें आपको अपनी ट्रिप में कवर करना होगा। और ये 10 जगहें वहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों की लिस्ट में आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। कर लें जी सबसे पहली जगह जिसे आप अपने ऊटी के ट्रिप में विजिट कर सकते हैं, वह है ऊटी की टॉय ट्रेन, जिसे नीलगिरी टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, और जो दक्षिण भारत के सबसे रोमांचक चीजों में से एक है। इस टॉय ट्रेन का निर्माण 1908 में ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था, और ये टॉय ट्रेन आपको ऊटी से लेके केती या फिर कुन्नूर तक मिल जाएगी, जिसकी आप वहीं पे बुकिंग कर सकते हैं, जिसका किराया 400 से 500 के बीच में रहता है, या फिर इस टॉय ट्रेन को आप IRCTC की वेबसाइट से प्री बुक भी कर सकते हैं। इंटरेस्टर्स गाइस, यूं तो हमने बहुत सी ट्रेनों में सफर किया है, लेकिन ये 10 से 15 किलोमीटर का छोटा सा सफर आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफरों में से बनने वाला है। ये टॉय ट्रेन ऊटी के खूबसूरत जंगलों से होके गुजरती है, और साथ ही सुरंगों को भी कवर करती है, और यहाँ से जो आपको केती वैली के नज़ारे देखने को मिलेंगे वो बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों, हम सबको ही छैया छैया गाना तो याद ही होगा। जी हाँ, छैया छैया गाने की शूटिंग, जिसमें शाहरुख खान डांस करते हैं, उसकी शूटिंग भी इसी टॉय ट्रेन में इसी रूट पे हुई थी। ओके। सेकेंड डेस्टिनेशन जिसे आप अपने ऊटी ट्रिप में विजिट कर सकते हैं, वो है यहाँ का फेमस सेंट स्टीफन चर्च, जिसका निर्माण विशालकाय गौतिक शैली में हुआ है। इस चर्च के चारों ओर आपको घने वन और प्राकृतिक वातावरण का अनुभव होगा, जो आपके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। और यहाँ की खूबसूरती और आर्किटेक्चर आपको यहाँ की हिस्ट्री की एक छोटी सी झलक भी दे देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ऊटी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो नीलगिरी टॉय ट्रेन और सेंट स्टीफन चर्च आपके विशलिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे अपने ऊटी ट्रिप में विजिट कर सकते हैं, वो है ऊटी बोट हाउस, जो ऊटी झील पे स्थित है। ऊटी झील, जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई झील है, आपको हरी भरी घाटियों और आकर्षक पहाड़ियों से घिरी हुई देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ पैडल बोटिंग, रोइंग बोटिंग और मोटर बोटिंग जैसी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप ऊटी में अपने बच्चों के साथ भी आए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बोट हाउस में आपको बच्चों के लिए मिनी पार्क्स भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो उनका भी यहाँ पे दिल लगा रहेगा। बोट हाउस को कवर करने के बाद आपको 2 मिनट की वॉक पे थ्रेड्स गार्डन देखने को मिलेगा। तो अगर आप कलाकृति के फैन हैं, तो ये गार्डन आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के फूल थ्रेड्स से बनाए गए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। थ्रेड्स गार्डन को विजिट करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप ऊटी में कवर कर सकते हैं, वह है कुन्नूर के टी गार्डन्स। ऊटी से कुन्नूर लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ के लिए आप या फिर लोकल टैक्सी या फिर बस लेके आ सकते हैं। कुन्नूर में आपको बहुत सी टी एस्टेट्स देखने को मिलेगी,
और उनमें भी सबसे फेमस है सिंगारा टी एस्टेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत और वास्ट है। इस टी एस्टेट में आप यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के यहाँ पे फोटोज खिंचवा सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको एक टी शॉप भी देखने को मिलेगी जहाँ पे आप लोकल ऑथेंटिक टीज को बाय भी कर सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि हमने ट्रिप जून के मंथ में किया था तो हर जगह हमारे को फॉग और मिस्ट देखने को मिल रही थी, जिससे नज़ारे और भी खूबसूरत हो जा रहे थे। ऊटी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस भी होटल में वहाँ पे रहें, वहाँ पे आपको वो लोग 300-400 रुपए में एक फुल डे का टूर बुक कर देते हैं, जिसमें आप बहुत से अलग अलग लोगों के साथ एक बस में ये सारी जगहें कवर करते हैं, तो ये बहुत ही सस्ता और अच्छा रहता है। तो अगर आप भी एक बजट ट्रैवलर हैं तो ऐसे टूर आपके लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। सिंगारा टी एस्टेट को कवर करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने ऊटी ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमस डॉल्फिन नोज। कुनूर में स्थित ये डॉल्फिन नोज आपको सिंगारा टी एस्टेट से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको छोटी सी लोकल शॉप्स और खाने पीने की ईटरीज भी देखने को मिलेगी जहाँ पे आप फैमिली के साथ कुछ खा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक टाइटैनिक जैसा नोज पॉइंट देखने को मिलेगा जिसे डॉल्फिन नोज कहा जाता है, और इस पॉइंट से आपको पूरी वैली के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। डॉल्फिन नोज एक परफेक्ट जगह है आपकी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स के लिए, तो आप यहाँ पे बहुत से पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट उस डेस्टिनेशन जिसे आप अपने ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं वो है द टी फैक्ट्री ऊटी। टी फैक्ट्री ऊटी की एक मस्ट विजिट प्लेस में आती है। यहाँ पे आपको एक पूरी टी फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है और एक स्टार्टिंग प्रोसेस से एंड प्रोसेस एक टी मेकिंग में कैसे होती है उसे समझाया जाता है, और लास्ट में जब आप ये पूरी प्रोसेस देख लेते हैं तो आपको टी भी टेस्ट करवाई जाती है, और साथ ही आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल और टीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप ऊटी ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है बोटैनिकल गार्डन ऊटी, जिसे 1848 में बनाया गया था और ये 55 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको फ्लावर बेड्स, कंजर्वेटरीज, फॉसिल ट्री ट्रंक और टोडा हिल जैसी जगहें देखने को मिलेंगी। इन सभी जगहों को कवर करने के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने ऊटी ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है 9th Mile शूटिंग पॉइंट। ऊटी का ट्रिप मैंने प्लान किया था सगा देवन जी की मदद से, जो कि वहाँ के एक लोकल रेजिडेंट है। इन्होंने टैक्सी बुकिंग से लेके मेरी हर छोटी बुकिंग का ख्याल रखा था, और पूरा ऊटी भी इन्होंने मुझे घुमाया था। तो दोस्तों, अगर आप भी ऊटी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको टैक्सी बुकिंग या और किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। 9th Mile शूटिंग पॉइंट ऊटी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पे आपको मीलों तक फैले हुए खुले मैदान देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे बहुत सी मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है, और उनमें से एक फेमस मूवी है राजा हिंदुस्तानी, जिसके गाने यहाँ पे शूट हुए थे। 9th Mile को विजिट करने के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने ऊटी ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है पायकारा वाटरफॉल, जो ऊटी से लगभग 15 किलोमीटर की मोटरेबल डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। पायकारा वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट के लिए एक छोटा सा ट्रेल वॉक करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट अस गाइस, ऊटी की सबसे खूबसूरत जगहों में अगर आप बात करें तो टॉय ट्रेन और टी एस्टेट्स के बाद मुझे पायकारा वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर लोकेटेड है और यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही शानदार हैं। पायकारा वाटरफॉल आपको पायकारा नदी पे देखने को मिलेगा, जो नीलगिरी के मुखुरुती पीक से आती है। घने जंगलों के बीच में स्थित ये पायकारा वाटरफॉल आपकी सांसों को दो पल के लिए थाम सा लेगा, और आपको सोचने पे विवश कर देगा कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में कुदरत से खूबसूरत हो सकती है क्या। और साथ ही यहाँ पे आपको एक व्यू पॉइंट और पिक्चर पॉइंट भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। पायकारा वाटरफॉल को विजिट करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे अपने ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है पायकारा बोट हाउस। पायकारा बोट हाउस ऊटी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड ट्रस्ट अस गाइस, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आपको बोटिंग के लिए 700 से 800 रुपए की बोट का टैरिफ देखने को मिलेगा, और अगर आप फैमिली में हैं तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप ट्राई करें या आप किसी के साथ एडजस्ट हो जाएं, जिससे आपको 100-150 रुपए ही देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप विजिट कर सकते हैं वो है पाइन फॉरेस्ट। तो दोस्तों,
ये थी ऊटी की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें आप अपने नेक्स्ट ट्रिप में विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपके मन में ऊटी को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। कर सकते नहीं करते किस चीज का नहीं अभी भी मतलब है तुम्हारे दिल में बताओ अरे तुम्हारे दिल में है हम तो विजिट कर नहीं सकते ना। अब हम क्या शक बताएं कि भाई क्या मतलब कभी चांस मिला कोई मौका ऐसा बना या कुछ जुगाड़ लगा तो मतलब कभी जा पाए तो सबसे पहले मतलब सबसे पहले डेफिनेटली यहाँ से जो होगी वो दिल्ली होगा तो दिल्ली उतरेंगे तो वहाँ से फिर पहले पंजाब आता है क्योंकि पंजाब में बहुत सारे दोस्त हैं। उसके बाद फिर जो है वो मुंबई में बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ से देखते हैं चेन्नई से बहुत दोस्त देखते हैं मतलब बहुत सारी स्टेट्स इधर से तमिलनाडु से बहुत लोग देखते हैं मतलब हर जगह से जो इंस्टा के ऊपर जो कनेक्टेड हैं साथ में उनकी बात कर रहा हूँ तो वो मतलब डिफरेंट प्लेसेस हैं जैसे कि वो जयपुर है वहाँ से काफ़ी दोस्त हैं। फिर ऊटी से भी कोई ना कोई देखता होगा। ऊटी से वैसे अभी तक मुझे कोई इंस्टा पे मिला नहीं है ऊटी से कि देखते होंगे लेकिन कमेंट में जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ इंस्टा पर ऐड हैं ये तो जिनसे बात होती है गुजरात से भी हाँ गुजरात के भी हैं लेकिन थ्रू आउट पूरा इंडिया विजिट करने को दिल करता है लेकिन स्पेशली जो कश्मीर है उधर जम्मू कश्मीर उसको विजिट वहाँ पर जो वो ट्रेन्स अभी चली हैं तो उसको दिल करता है कि यार विजिट करें। फिर मेघालय एक ऐसी प्लेस है कि मेघालय जिसको बोलते हैं कि उसको विजिट या ऊटी भी इंटरेस्टिंग है यार केरला केरला जो है उनकी स्टेट तो आपके पास एक पूरा पूरा एक टाइम होना चाहिए मतलब कि अगर आप इंडिया जाते हैं तो आपके पास एक साल तो मस्ट हो बिल्कुल क्योंकि आपने इंडिया छोटा नहीं है इंडिया बहुत बड़ा है और प्लेसेस भी कोई ऐसी नहीं है कि आप जो छोड़ना चाहें छोड़ना तो आप चाहेंगे कि हर जगह को विजिट करें। और ऊटी जो है ये मूवीज में ही हाँ सुन रखा था देख रखा था और उसके ऊपर स्पेशल से एक व्लॉग जो है आपने देखा है कि 10 राजा हिंदुस्तानी मूवी जो है वो कमाल की मूवी थी यार बिल्कुल। ये बड़ा मसला वीजा तो रिजेक्ट हो जाएगा वीजा तो नहीं भाई उधर ही ठीक हो आप ऐसे पता नहीं क्यों नहीं देते हेमा भाई क्यों नहीं देते वीजा मर्जी पहले तो मिल जाता था मैं मतलब काफी है अब पहले तो काफी मिल जाता था ट्रेन भी चलती थी समझौता एक्सप्रेस तो लेकिन उसके बाद जो है वो पॉलिटिक्स लेकिन होने चाहिए ने झील बनाई हुई है ना हमारे इधर जाए ना छांगा मंगा वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी झील बनाई हुई है। चलो फिर छांगा मंगा निकल जाओ तुम छांगा मंगा निकल जाओ टाइम से ओके तो ये था गाइस वैसे ऊटी से अगर कोई देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा बाकी बहुत ही अच्छी प्लेसेस हैं सभी ऊटी भी देखने वाली जगह है तो मतलब इंडिया में मैंने ये देखा है कि आपको हर स्टेट में बहुत ही अच्छी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं इवन के उनके जो राजस्थान स्टेट है ना वहां पर आपको हिल्स देखने को मिलती हैं और मैं शॉकिंग था कि यार हमारे इधर सारा डेजर्ट है तो हिल्स सारी है आइस नहीं मिलती नहीं भाई आइस नहीं होती राजस्थान में आइस कहाँ आ गई। और बाकी चले अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रखिए बहुत सारा ख्याल।